बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चालकता के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण तो नंबर एक होते हैं चालक या इन्हें हम सुचालक भी कहते हैं। तो चालक पदार्थ से कहेंगे तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। अर्थात इसे यदि हम ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार समझें तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार यहाँ चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालक बैंड के मध्य जो वर्धित ऊर्जा अंतराल है वो अल्प होता है। अतः जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो चालक बैंड में आसानी से गति कर सकते हैं। चालन बैंड में जो है इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य पाया जाता है, इस कारण जो चालक होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण आसानी से विद्युत धारा का चालन करते हैं। और जैसे सोडियम है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, तो जितने मेटल्स हैं होते हैं वो विद्युत धारा का चालन करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं चालक पदार्थ। और इनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो वर्धित ऊर्जा अंतराल है बिल्कुल नहीं पाया जाता, जीरो होता है वर्धित ऊर्जा अंतराल। तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार ये आपकी संयोजी बैंड हो गया, वैलेंस बैंड जिसे आप कहते हैं वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड वैलेंस बैंड। दूसरा हो गया चालन बैंड, दूसरा क्या हो गया आपके चालन बैंड। तो यहाँ जो वर्धित ऊर्जा अंतराल है, वर्धित ऊर्जा अंतराल को हम डेल्टा ई जी से व्यक्त करते हैं, इसका मान कितना होता है जीरो। वर्धित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है यहाँ पर जीरो होता है। नंबर दो पे है और इसके एग्जांपल भी हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है एटसेट्रा, ये जो है चालक पदार्थ कहलाते हैं। जहाँ आसानी से मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं चालन बैंड में उसे क्या कहते हैं हम सुचालक। बात करते हैं नंबर दो पे कुचालक। कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार यदि समझें तो यहाँ संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों के मध्य पर्याप्त अंतर होता है और उस अंतर को पार करना जो संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो उस अंतर को उस वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं। इस कारण चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने के कारण वहां धारा का चालन नहीं होता, इसलिए इन्हें
हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ जो वर्धित ऊर्जा अंतराल होता है वो करीब करीब 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। ये आपके चालन में ये रहा आपके संयोजी और ये रहा आपके वर्धित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई जी जो करीब करीब 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब रहता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलने के कारण चालन बेल्ट में यहाँ खाली रहता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, इस कारण से जो है धारा का चालन नहीं होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखें तो हीरा इसके अलावा प्लास्टिक ठीक है एटसेट्रा। बात करते हैं हम नेक्स्ट अर्धचालकों की। नंबर 3 अर्ध चालक सेमी कंडक्टर यहां वर्धित ऊर्जा अंतराल जो है करीब करीब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होता है। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। दोनों ऊर्जा बैंडों के बीच वर्धित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? करीब करीब लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। और इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन है उस ऊर्जा अंतराल के पार करके चालन बैंड में चले जाते हैं और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होने से जो है ये धारा का चालन कर देते हैं। तो ये आपके चालन बैंड संयोजी बैंड और यहाँ दोनों के मध्य वर्धित ऊर्जा अंतराल करीब करीब जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग रहता है, जिससे जो है इलेक्ट्रॉन पार करके चालन बैंड में चले जाते हैं और इस कारण जो धारा का चालन होता है। ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास जर्मेनियम सिलिका आदि एटसेट्रा। तो ये था वर्गीकरण चालक अर्धचालक और कुचालक। अर्धचालक चालक और कुचालकों के मध्य की अवस्था है अर्धचालक। नेक्स्ट हम बात करते हैं परावैद्युत माध्यम की। कुचालकों में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं हो पाता है, अतः यहाँ मुक्त आवेश उपलब्ध नहीं होते। अतः कुचालकों में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशों का सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन किया जाता है। ऐसे कुचालक माध्यमों को परावैद्युत माध्यम हम कहते हैं। तो जानेंगे हम नेक्स्ट कि परावैद्युत माध्यम क्या होते हैं। परावैद्युत माध्यम तो अतः ऐसे कुचालक में जो है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशों का जो है सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन किया जा सकता है। ऐसे कुचालक माध्यमों को ही हम जो है परावैद्युत माध्यम कहते हैं। तो परावैद्युत माध्यम कहलाता है। तो ऐसे कुचालक पदार्थ जिनमें
जिनमें विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशों का अल्प विस्थापन संभव होता है, परावैद्युत माध्यम कहलाते हैं। परावैद्युत माध्यम कहलाते हैं, जैसे हमने किसी मान लीजिए दो आवेश लिए Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की दूरी है R, तो दोनों आवेशित कणों पर लगने वाला जो बल है Q1 Q2 upon R square। तो यहाँ जो एप्सिलॉन है ये कहलाता है आपको परावैद्युतांक कहलाता है, जिसे माध्यम की विद्युतशीलता भी कहते हैं। एप्सिलॉन आर को हम माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युत शीलता, माध्यम की विद्युत शीलता कहते हैं, इसे कहते हैं माध्यम की विद्युत शीलता कहते हैं। माध्यम की मीडियम परमिटिविटी भी इसे हम कहते हैं। परावैद्युत माध्यम की विद्युत प्रकृति को एक अन्य माहिर्यतांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। जो परावैद्युत माध्यम की विद्युत प्रकृति है उसको हम इसके द्वारा एक विमाहीन अन्य नियतांक है उसके द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक बराबर या माध्यम की अपेक्ष विद्युतशीलता बराबर परावैद्युतांक ताम या माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर के द्वारा व्यक्त करते हैं, और इसका मान माध्यम की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युत शीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता की विद्युत शीलता के अनुपात के बराबर रहते हैं। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर के रूप में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय, तो जहाँ दो ध्रुव पाए जाते हैं, जहाँ प्लस और माइनस दो ध्रुव पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, ध्रुवीय। और जहाँ दोनों आवेश नहीं पाए जाते हैं, जैसे प्लस माइनस किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय अणु। यानी कि कुल मिलाकर के ये बात कहें कि ऐसे अणु जिनमें धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र और एक ही बिंदु पर स्थित हो, जो ऋणावेश है और धनावेश है उनका जो वितरण केंद्र है
और एक ही बिंदु पर स्थित हो, उसका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है, जीरो होता है। और ऐसे जिनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है उन्हें अद्रव्य अणु कहते हैं, तथा ऐसे अणु जिनमें धनावेश का वितरण केंद्र तथा ऋणावेश का वितरण केंद्र अलग अलग स्थानों पर हो तो उनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य नहीं होता है। ऐसे अणुओं को हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। तो जैसे ध्रुवीय अध्रुवीय अणु के उदाहरण है जिसमें H2 है, Cl2 है, CO2 है, ये सब अध्रुवीय अणु है क्योंकि इनमें धनावेश और ऋणावेश दोनों का जो वितरण केंद्र है वो एक ही बिंदु पर होता है। और जो ध्रुवीय अणु है जैसे हमारे NaCl है, HCl है, HF है, तो HCl है, NaCl, तो इनमें जो है दोनों आयनों का जो ध्रुवों का जो वितरण केंद्र है उनके बीच में कुछ दूरी पाई जाएगी और उसी दूरी के कारण यहाँ जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, इसी कारण इन्हें ध्रुवीय अणु कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण व परमाणवीय ध्रुवणता। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एवं परमाणवीय ध्रुवणता, तो जैसे कोई अणु है ये इसका केंद्र है, ये प्लस ये माइनस दोनों, अभी दोनों का जो वितरण केंद्र है दोनों आयनों का प्लस और माइनस उनका वितरण केंद्र एक ही बिंदु है, लेकिन जब से विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनके वितरण केंद्र के बीच में जो है वितरण केंद्र से इनके बीच में क्या जाती है कुछ दूरी आ जाती है, इस कारण ये फिर ध्रुवित अणु के रूप में हो जाते हैं। यानी कि वायु विद्युत क्षेत्र की स्थिति में इनकी स्थिति अलग अलग हो जाएगी, इनके बीच में कुछ विस्थापन आ जाता है और इस कारण ये ध्रुवीय अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनका कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण आपको मिलेगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है प्रपोर्शनल होता है ई के, इनका द्विध्रुव आघूर्ण प्रपोर्शनल होगा विद्युत क्षेत्र के, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू इसे अल्फा ई वेक्टर के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ जो अल्फा है ये परमाणवीय ध्रुवणता कहलाता है। अल्फा क्या कहलाती है यहाँ, परमाणवीय ध्रुवणता, ये आपकी परमाणवीय ध्रुवणता कहलाती है। और अल्फा की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन ई वेक्टर के रूप में हमें मिलता है। ई वेक्टर यदि एकांक हो, ई वेक्टर का ई वेक्टर जो विद्युत क्षेत्र है ये क्या हो, इकाई हो, तो उस स्थिति में अल्फा इज इक्वल टू पी वेक्टर, यानी कि जो परमाणु ध्रुवता है इसके बराबर होगी, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगी। यानी कि एकांक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण ही क्या कहलाता है, आपके परमाणु ध्रुवता कहलाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।